आज मालिक से पैसे मांगने हैं, क्योंकि अगर आज उधार ना मिला तो मालिक मकान आके फिर चिल्लाएगा। करेगा इसको छोड़ दे, मेरी गाड़ी साफ कर दे, मैंने मीटिंग के लिए निकलना है, पहले मैं लेट हो चुका हूँ। ठीक है साहब जी, मैं कर देता हूँ। साहब जी। हाँ, अब क्या हुआ? साहब वो घर का किराया देना था, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। क्या पैसे? पहले तूने एक तनख्वाह एडवांस दी हुई है, ऊपर से और पैसे मांग रहा है, कहाँ से वापस करेगा तू? साहब जी मैं जल्द लौटा दूंगा। लौटा देगा? कैसे लौटा देगा? कल को तेरी कोई लॉटरी लग जानी है। चुप करके मेरी गाड़ी साफ कर, मुझे देर हो रही है। जी भाई। जी भाई क्या? किराया नहीं देना तूने? भाई गुस्सा ना करो, कल दे दूंगा लाजमी। 2 महीनों से रट लगाई हुई, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल मुझे पैसे चाहिए वरना सामान बाहर फेंक दूंगा तेरा। जी बस कल तक की मोहलत दे दो, सुबह मैं बंदोबस्त कर लूंगा पैसों का। अब कल का मतलब कल होना चाहिए, वरना अंजाम तो जानता है। पैसे चाहिए मुझे कल, पैसे। आखिर कहां से करूं पैसों का बंदोबस्त, खाला के बेटे से ही मांग के देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। खड़े क्यों बैठा यार? तो बताओ कैसे आना हुआ? आप तो जानते होंगे कि पिछले महीने आपकी भतीजी का ऑपरेशन हुआ था, तो सारे लोगों से पैसे मांग मांग के मैंने उसके ऑपरेशन पे लगा दिए, और पिछले महीने भी मैं घर का किराया नहीं दे सका, इस महीने फिर वो किराया मांग रहा है। अच्छा, अगर तुम पैसे मांगने आए हो तो वो तो मेरे पास नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी दूसरी गाड़ी ली। नहीं नहीं आया भाई, मैं पैसे लेने तो नहीं आया था, मैं वैसे बता रहा था आपको। अच्छा याया भाई, वो मेरे काम का टाइम हो रहा है, मैं फिर चलता हूँ। ज़रूर, क्योंकि मुझे भी निकलना है अभी। ठीक। कहाँ से लाऊं पैसे, अब तो मेरी गुर्बत देख के कोई उधार भी नहीं देता। ए, जो कुछ भी है चुप करके निकाल दे, वरना खामोश करने के पिस्टल ही काफी है। कर दो मुझे खामोश। गोली मत मार यार, तू जो चाहिए तू ले ले, बस मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बहुत कीमती है। साहब जी आप शहरोज तू? हाँ साहब जी मैं। साहब जी आज मुझे अंदाजा हुआ है कि इंसान जब खुद मुश्किल में होता है तो अपना सब कुछ कुर्बान करने पे आ जाता है। पर ये तुम्हारे हाथों में ये पिस्टल किसने थमा दी? बस इसके पीछे भी मेरी कुछ मजबूरियां ही थी। अबे रो क्यों रहा है, नहीं मारता तुझे, नकली है ये। अबे क्या हुआ बता तो सही, हो सकता है मैं तेरी मदद कर पाऊँ। टेंशन ना ले तू, मैं तेरी सारी परेशानी हल कर दूंगा, तू मेरे लिए काम करेगा। पर ये जो रास्ता तुमने चुन लिया है ये बहुत गलत है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन इस सबके जिम्मेदार आप हैं। मैं? लेकिन मैं कैसे? जरा सोचें,
अगर उस दिन आपने मेरी मदद की होती तो आज मैं इस रास्ते पे ना होता। और साहब, कोई भी क्रिमिनल शौक से नहीं बनता। माशरे में कुछ आप जैसे ही लोग होते हैं जो हम जैसों को क्रिमिनल बनने पर मजबूर करते हैं।